नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। सिंगरौली जिले के चितरंगी क्षेत्र में चक्रिया सिधार गुरहर पहाड़ के अलावा सोनपुरवा गांव के पहाड़ में भी सोने के अयस्क का पर्याप्त मात्रा में भंडार बताया गया है, जबकि मिसिरगवा गांव के पहाड़ में लो अयस्क का प्रचुर मात्रा में भंडार मिला है। खनन कराने का निर्णय लिया है। चक्रिया गुरार पहाड़ में सोने की खदान संचालित करने की कवायद शुरू होने के बाद अब चितरंगी ब्लॉक के ही सोनपुरवा गांव में सोना, जबकि मिसिरगवा में लौह अयस्क की पर्याप्त भंडार मिलने की जानकारी सामने आ रही है। 200 हेक्टेयर क्षेत्र वन विभाग के कब्जे में है और 50 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में शामिल है। वहीं मिसिरगवा गांव के 1,554 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लौह अयस्क का भंडारण बताया जा रहा है, जिसमें करीब 1,145 हेक्टेयर क्षेत्र वन विभाग के कब्जे में है और 409 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में शामिल है। यही वजह है कि दोनों विभागों की सहमति के बाद ही खनन के बावत नीलमी प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की रिपोर्ट के बाद खनिज विभाग ने खदान की नीलामी कर दी है। चितरंगी के चक्रिया में 23.57 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अयस्क का भंडार है, जबकि सिधार गुरहर खदान कुल 149.30 हेक्टेयर में फैली हुई है। इस चट्टानी भूमि क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों से सोने की खोज की जा रहा थी। शासन स्तर से यहां खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चक्रिया खदान को गरिमा नेचुरल रिसोर्स छत्तीसगढ़ को खनन का जिम्मा मिला है। वहां 60 करोड़ रुपए के सोने का भंडार बताया गया है, जबकि गुरहर पहाड़ खदान को कनॉट प्लेस नई दिल्ली को खनन का जिम्मा मिला है, जहां संबंधित एजेंसी जितना सोना निकालेगी सरकार को राशि उसी के हिसाब से देना होगा। खनिज विभाग सिंगरौली के अधिकारियों के मुताबिक सोनपुरवा व मिसिरगवा पहाड़ के चिन्हित क्षेत्र के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी सोने और लौह अयस्क का भंडार होने की संभावना है। शासन स्तर से इस परियोजनाओं के दोनों खदानों में खनन शुरू होने के बाद बाकी के क्षेत्रों में भी भंडारण की तलाश की जाएगी। इसको लेकर भी शासन स्तर से कवायद जारी है। जल्द ही इस पर भी कार्य शुरू होगा। सोनपुरवा में गोल्ड एवं मिसिरगवा पहाड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में होने का सर्वे के आधार पर पता चला है, जिसका ब्लॉक बनाकर नीलामी की प्रक्रिया प्रचलन में है।